नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट हिमाचल के कांगड़ा से आ रही है। इंदौरा क्षेत्र की ठाकुर द्वारा पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान एक बाइक सवार युवकों को भारी मात्रा में नजायज शराब सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए थाना इंदौरा के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि बीती रात समय करीब से 10 बजे पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रूप सिंह अपनी पुलिस पार्टी जिसमें मान सहायक उप निरीक्षक बुरदयाल सिंह, आरक्षी विक्रांत और सुमित और गृह रक्षक प्रदीप कुमार को साथ लेकर ठाकुर द्वारा बाजार की सड़क पर गश्त पर थे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर PB07BT5658 मिलवा रोड की तरफ से आया, जिस पर दो युवक सवार थे। पुलिस पार्टी ने मोटरसाइकिल सवारों को जांच हेतु रोका तो पाया गया कि युवकों ने एक प्लास्टिक का कैनन मोटरसाइकिल की एक तरफ एक रस्सी से बांधकर लटकाया हुआ था और एक प्लास्टिक का कैनन दोनों ने अपने मध्य सीट पर रखा हुआ था। जब पुलिस द्वारा दोनों प्लास्टिक के कैनों में भरी हुई चीज की जांच की गई तो दोनों कैनों से 80,000 मिलीलीटर नजायज शराब लाहन बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोटरसाइकिल चालक सन्नी कुमार पुत्र रमेश कुमार और लक्की कुमार पुत्र कुलदीप कुमार दोनों निवासी कोरू बेला डाकघर रियाली तहसील व थाना फतेहपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों से पकड़ी गई नजायज शराब की खेप और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों गिरफ्तार करके पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को कल इंदौरा कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड के दौरान पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी कि ये दोनों युवक किससे नजायज शराब लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे। आरवी लाइव मीडिया के लिए हिमाचल के कांगड़ा से गगन गल्गोत्रा की रिपोर्ट।